घटना यह आमेर गांव की है। कुछ वहां बारात आई हुई थी तो पता चला कि वहां पे एक लड़का का जो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो कुछ लोग यहाँ सदर काकत बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जो इलाज हुआ, लेकिन वहाँ पर उनका मृत्यु हो गया। सुनने में आया कि इसका ही दोस्त लोग था जो शादी में बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया कि क्यों मारा गया, लेकिन पता चला कहीं कि दो लड़का जो था इसी का ही दोस्त था। घटना को देख रहे किसी व्यक्ति को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दिया जा रहा है। बार 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 आते हैं और बार बार पूछते हैं कि अंतिम हत्या कब रुकेगी। सैकड़ों हत्या में तो हम आ चुके हैं ना हाजीपुर, सैकड़ों से ऊपर। यही ना पालमान की हत्या हुई थी जिसपे हम हेलीकॉप्टर से आए थे, उस परिवार की मदद करके गए। तब से लेकर के छोड़ दीजिए, उसके पहले पालमान की हत्या के पहले, उसके बाद ले लीजिए। हमको लगता है कि 400 से 450 मर्डर में हम आ चुके हों, तब से लेके अभी सब घटना लेकर के। अब समझ में नहीं आता भैया, कभी 16 नंबर पाया पर, कभी 8 नंबर पाया पर, कभी 6 नंबर पाया पर। आते तो हैं, लोगों की उम्मीदें रहती है, एक ट्रस्ट रहता है, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जस्टिस नहीं मिल पाता है परिवार को, SPD ट्रायल नहीं होता है, उसकी फांसी नहीं होती है, उसको आजीवन कारावास नहीं होता है, जेल से फिर वो रंगदारी करते हैं, जेल से ही डराते हैं। जो कन्फ्लिक्ट है वो मुख्य कन्फ्लिक्ट छूट जाता है, शूटर कोई और होता है, मरवाने वाला कोई और होता है। उस शूटर 5 होता है जिसमें 2 को चार्जशीट किया जाता है, 3 को पैसे से अलग कर दिया जाता है और न्यायालय के द्वारा 3 महीने पर बेल मिल जाती है। तो जब 3 महीने पर न्यायालय के द्वारा बेल मिल जाएगी, डायरी सरकार देगी नहीं, चार्जशीट सरकार करेगी नहीं। जो जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की है, और उस सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी तय ना करे, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, तो आप हमको बताइएगा ना कि कब तक। और उसके बाद कोई आदमी हीरो बनने के लिए, दादा बनने के लिए किसी को टारगेट करके मार दे, पहले इसने रंगदारी मांगा फिर टारगेट करके मार दे, तो उसको जीने का राइट है क्या? उसको तो इनकाउंटर करने की ज़रूरत है और पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी है। सवाल ये है कि एक तरफ नालंदा, दूसरे तरफ हाजीपुर डिप्टी CM साहब, यही नित्यानंद बाबू वहाँ लंबा लंबा गप देते हैं, फेंकते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, औकात है, तो फिर लड़ते क्यों नहीं हैं? ताकत है तो लड़िए ना सोसाइटी के लिए। हम तो हिम्मत करके लड़ते हैं, हम तो पूरे देश के हर बहुरूपिये से लड़ते हैं। हम तो गए यूपी में जोगी को चैलेंज करके, हम पूरा। इतनी बड़ी घटना घटती है ना MP को मतलब, अरे चिराग जी बगल में आप एक्सीडेंट में आए, यहाँ जाते, ये वोट नहीं दिया तो नहीं आइएगा, मतलब ये वोट मिलेगा तो आएंगे, हमको तो नहीं मिलता है। क्या करें, छोड़ दिया जाए सोसाइटी को, खत्म कर दिया जाए इंसानियत और रिश्ते को, रिश्ते की वैल्यू ही मिट जाए, मानवता खत्म हो जाए। राजनीति के दहलीज पर, राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर मूल्यांकन होगा मर्डर का और बलात्कार का। किस जात ने मारा, किस जात की हत्या हुई, पहले फोन पर पूछा जाता है। किसका बलात्कार हुआ भाई, कौन लोग किए, कौन जात का बेटी था, बेटी भी जाती, मर्डर भी जाती। और थाना DSP का क्या कहना है, पूरा बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफियागिरी तो चल ही रही। हाजीपुर का मतलब ही उखड़ क्यों गया पूरा हाजीपुर, जमीन के चलते, शराब का पूरा पूरा नेपाल से लेके, गांजा से लेके सब कुछ तो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर ही तो है। और यहाँ से हम राजधानी भेजते हैं और जगह भेजते हैं। जितना पैसा थानादार हाजीपुर में कमाता है, करोड़ों अरबों रुपया कमाता है, ऊपर से नीचे सबको पैसा मिलता है, आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी? जिसकी हत्या हुई है वो आरजेडी कार्यकर्ता रह चुका है। जैसा विधायक जी कहे थे, वो कहा था कि अपराधी 20 फीट जमीन के नीचे भी होगा तो उसको निकाल लिया जाए, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार उनकी है। सैया भेल कोतवाल तो अब डर कहेगा। विधायक एमपी की कोई औकात है? जिस देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का औकात ना हो, और प्रधानमंत्री अब उसका हिंदुत्व खत्म हो गया। हम डिप्टी सीएम साहब से बातचीत करेंगे। और राघोपुर की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, निश्चित हम बात करेंगे। और मैं यहाँ के हालात को उनसे पहले भी राकेश पासवान की हत्या में उनसे मैंने वाकिफ कराया था, मेरी बातचीत हुई थी उनके घर की सुरक्षा को लेकर। मैं चाहूंगा इस परिवार की भी सुरक्षा मिले, क्योंकि हो सकता है गवाह को मार दे। मैं उम्मीद करूंगा तेजस्वी जी से कि वो कम से कम इस मर्डर में स्पीडी ट्रायल कर दे, और धरती के नीचे उखाड़ लेंगे या फलना कर लेंगे। घर में 4 हत्या हुई थी, पप्पू यादव आए थे और आज तक न्याय नहीं करा सके। उन्हीं के विधानसभा में कितनी घटना घटी। एक मिनिस्टर है, हाँ, नित्यानंद जी हैं, तो कौन पारस जी हैं, आलोक मेहता हैं, लंबा लंबा जो फेंकू हैं ये लोग, तेजस्वी जी हैं, पूरी सरकार हाजीपुर है और राघोपुर है। और उसके बाद मेरे परिवार का कत्लेआम हो जाए और न्याय ना मिले तो साला हम लोग को आत्महत्या कर लेने की जरूरत है। जी के क्या करेंगे जब सोसाइटी को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे? तो फिर सरकार का क्या मतलब? मैं किसी जाति को गाली देने नहीं बोलूंगा, ना मैं किसी जाति के खिलाफ कभी होऊंगा, लेकिन क्रिमिनल के खिलाफ तो होंगे। अपराधी को तो मारेंगे। हमको इतना राइट तो है कि अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं, अपने सोसाइटी को बचा पाए। कुछ नहीं।